हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चॉक कॉयल। देखो चॉक कॉयल क्या होते हैं। अ चॉक कॉयल इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज फॉर कंट्रोलिंग द करंट इन एन एसी सर्किट्स। देखो कंट्रोल करता है ये करंट को। देखो जैसे मान लो आप सभी को ये बात पता है कि सभी के घरों में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट आती है। अब मान लो कुछ आप ऐसा डिवाइस ले आए जिसको 220 वोल्ट नहीं चाहिए वोल्टेज, उसको कम वोल्टेज पे ऑपरेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम चॉक कॉइल लगाते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा चॉक कॉइल की क्या ज़रूरत है। जैसे मान लो ये कोई डिवाइस है, इसके साथ यहाँ पर क्या लगा दो, एक रेजिस्टेंस लगा दो, क्या दिक्कत है, तब भी हो जाएगा कंट्रोल तो करंट, या नहीं। ये बात सही है, हो जाएगा कंट्रोल। लेकिन अगर आपको पता हो पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, उसमें क्या आई थी पावर आपके पास, ERMS एंड IRMS, याद है। तो यहाँ पर जो पावर जो लॉस होगा आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब रजिस्टर के केस में मतलब पावर इसको इतनी चाहिए, एवरेज पावर इसके साथ एसोसिएटेड इतनी है। ये तो मैक्सिमम का केस था हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद हो कोस फाई क्या हो जाता है हमारे पास, फाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो रजिस्टर के केस में, क्योंकि सेम फेज में होते हैं आपके पास जो EMF और जो करंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो फाई होता है जीरो, तो कोस जीरो वहाँ क्या होता है आपके पास, वन होता है। तो ये मैक्सिमम का केस हो जाता है ERMS IRMS। तो पावर जो एसोसिएट करती है यहाँ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है, समझ रहे। तो यहाँ यहीं पर बहुत ज़्यादा पावर वो कंजप्शन हो गई, तो यहाँ पर आगे तो बहुत कम जाने वाली है। इसका मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसके लिए तो फिर एनर्जी कम बचने वाली है आगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ चॉक कॉइल लगाते हैं। चॉक कॉइल कैसे, जैसे मान लो ये एक डिवाइस है और चॉक कॉइल कैसे, एक वायर को ही वाउंड कर दिया हमने ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब एक इंडक्टर की तरह ये लगा दिया हमने। क्योंकि आपको पता है इंडक्टर के केस में जो पावर एसोसिएटेड होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है, अगर याद नहीं है तो देख लेना टॉपिक। तो यानी कि हमारी पावर यहाँ कुछ खर्च ही नहीं हुई, पूरी की पूरी पावर इसको मिलनी है, एनर्जी पूरी इसको मिलनी है, समझ रहे हो ना बात को। तो इस वजह से ये बेटर है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है वायर का भी एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है अपना, और इसको हमने बहुत सारा वाउंड कर दिया। इंडक्टर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल से लिखते हैं, क्लियर। तो ये भी वही काम कर जाएगा, कंट्रोल करेगा करंट को डिवाइस में, क्लियर है इतनी बार, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ लिख रखी है, इफ़ वी यूज अ रेजिस्टेंस आर फॉर द सेम पर्पज, लॉट ऑफ एनर्जी वुड बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्लियर। तो जो चॉक कॉइल है कंसिस्ट ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। देखो नंबर ऑफ टर्न्स हैं थिक कॉपर वायर के, जिसे हम वाउंड करते हैं क्लोजली ओवर अ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पे, क्लियर है। उसके बाद वही कह रहे थे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है चॉक कॉइल की, वो क्या होती है, एक्सएल। एक्सएल को हम लिखते हैं ओमेगा एल। तो जो करंट होगा वो हम कैसे लिखेंगे, ई अपॉन में एक्सएल, वी अपॉन में आर होता है ना, तो वी ई हो गया यहाँ पर, और आर क्या है इसका, एक्सएल है, क्लियर हो रही होंगी चीज़ें या नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है बस, ठीक। तो यहाँ पर जो मेन कहानी है वो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो रिड्यूस करते हैं हम लो फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जहाँ पर हमें करंट रिड्यूस करना है, कौन सा, लो फ्रिक्वेंसी वाला। तो उसके लिए जो चॉक कॉइल यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर वाला, समझ रहे हो, जो विद लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर आर यूज। और ये कौन से होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, AF चॉक्स। AF का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी चॉक्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं लो फ्रिक्वेंसी वाले करंट होते हैं इस वजह से। तो जो चॉक कॉइल यूज होती है विद लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, उनको हम क्या बोलते हैं, AF चॉक्स। यानी कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कौन से हैं ये आपके पास, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, AF का मतलब है ऑडियो फ्रिक्वेंसी चॉक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हाई फ्रिक्वेंसी वाले अल्टरनेटिंग करंट है उनको रिड्यूस करना है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी वाले अल्टरनेटिंग करंट लिखा हुआ है, फॉर रिड्यूसिंग द हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या करते हैं हम, एयर कोर्ड चॉक्स होते हैं। जैसे इसमें तो क्या थे, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर थे, ये एयर कोर्ड होते हैं, मतलब यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर की जगह क्या होगा, अब एयर होगी, ठीक है। एयर कोर्ड चॉक्स होंगे आर यूज, और इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड RF चॉक्स। RF मतलब कौन से, रेडियो फ्रिक्वेंसी चॉक्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये रिड्यूस करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वाले अल्टरनेटिंग करंट को, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, याद रहेगा RF का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, लो फ्रिक्वेंसी वालों को कम करना है अगर हमें तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी चॉक्स होते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी वालों को कम करना है तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी चॉक्स होते हैं। ऑडियो फ्रिक्वेंसी वाले चॉक्स में क्या होते हैं, हमारे पास जो चॉक कॉइल होती हैं वो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के साथ होती हैं, और जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले या हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले जो चॉक्स होते हैं उनमें जो चॉक होंगे, चॉक कॉइल होगी, वो कैसी होगी, एयर कोर्ड चॉक्स होंगे, क्लियर है इतनी बार, ठीक है। तो ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, बड़ी नॉर्मल सी कहानी थी इसकी भी, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।